खबर कराहल से है, जहां आज विजयपुर विधानसभा में चुनावी प्रचार प्रसार के तय कार्यक्रम के अनुरूप कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह यादव कराहल आए, जहां उन्होंने अपने यादव समाज के लोगों के साथ कई सभाएं की और कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में वोट मांगे। इस कार्यक्रम के तहत एक सभा ग्राम पनवाड़ा माता मंदिर के पास रखी गई, जिसमें यादव समाज के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता सहित अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए, जहाँ मुख्य अतिथि अशोक सिंह यादव का सभी ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी रविंद्र पाठक ने किया। कार्यक्रम में यादव समाज के धीरज यादव और दुष्यंत यादव ने भाजपा के कुशासन पर निशाना साधते हुए समाज के लोगों को एकमत होकर कांग्रेस पार्टी में वोट डालने की अपील की। वहीं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष यदुराज चौधरी ने भी खूब जुबानी हमले विरोधी प्रत्याशी पर किए। वहीं लहरौनी सरपंच लखू आदिवासी ने भी कहा कि आदिवासी समाज अकेला विधायक नहीं बना सकता है, तो आदिवासी बहकावे में ना आए और अपने वोट बेकार न करें और कांग्रेस पार्टी में वोट दें, जिससे कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हमें विधायक के रूप में मंत्री मिल सके। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीओपी सहित समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। अपने अपना मोहल्ले, अपना अपना गांव, उस पर पूरी ताकत लगा दें। आप सबने मेहनत की तन मन से, तो ये निश्चित रूप से विश्वास मानिए कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हमें अच्छे मंत्री के रूप में श्री रामनिवास जी, एक अलग स्कूल, कई जगह ये सब स्टेशन, एक ऐसा आदमी है जो को अपन एक विधायक नहीं एक मंत्री को चुन रहे हैं, तो अगर मंत्री अपने क्षेत्र का विधायक अगर बनेगा तो अपनी जनता की, गरीब जनता की सब सुनवाई होगी। हैं आज देख लो, बिजली देख लो, आप जो भी सारा महंगाई देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो, कितनी महंगाई हो गई, लेकिन कमलनाथ जी की 15 किसी किसान के पास चले जाओ, किसी भाई के पास चले जाओ, 100 बीघा जोत रहा होगा लेकिन उसके पास थार गाड़ी नहीं मिलेगी। मुकेश मल्होत्रा ने 2 साल पहले थार गाड़ी ले ली, वो थार गाड़ी किसी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की दी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। कल मैंने देखा था मेरे गाँव में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता है और कहता है कि मैं 1000 रुपया वोट दूंगा, आप मुझे वोट दो। तो ये हर स्तर पर जाएंगे, हमें इनका मुकाबला डटकर पोलिंग पर करना होगा। और अभी हमारे आदरणीय पाठक जी ने बोला कि समय का अभाव है, इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय कांग्रेस, जय जय रामनिवास, जय जय रामनिवास। ये बार एक आदिवासी के समाज से मुकेश मल्होत्रा जी नहीं मिलेंगे विधायक, सब समाज को बूंद बूंद से गड़ा मारता है। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि शंका हो भले आदिवासी ने तुम ज्यादा मान लो, लेकिन दूसरी समाज आती है यादव समाज, कोई आदिवासी के पीछे थोड़ो बहुत ही पराकर नहीं, आदिवासी किसी नहीं मान लो। तो मैं तो मेरा यही अनुरोध है, आप ही ये विधायक नहीं बन रहे, ना भी मंत्री बन रहे, आप ही बनाएंगे। और आज ये तुम भगवान न समर्थ देने वाले हो, बनाने वाले आज मान मूर्ति बैठी है जी, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जब विजयपुर विधानसभा की हस्ती बैठी है यादव समाज, और जो चला गई तो भाई आदिवासी भी चला गया। ये मत समझो कि मैं आदिवासी नहीं आ रहे जाऊं, अब तो ऐसे है कि कछु तो अन्य समाज जैसा इसे पता नहीं है, कछु ने पता नहीं कहा, पता कहीं मिल जाती है देख ला के क्या। तो आप गांव में बैठे हैं तो एक एक ऐसा में ऐसी मूर्ति बैठी है, मान मूर्ति बैठी है कि कम से कम 100-150 वोटर की हस्ती रहा है। तो मेरे तो उसे यही होता है, और के अगलो चुनाव आ रहा है तो बामे अब टाइम एक दिन आपने समय दे दियो मजे के, तो कहा गया भाई पंजाब में मोहर लगनी चाहिए। और जो भी हम तो कह रहे हैं छे कहते हैं कि हम 5-7-8-10 है और करता, हम तो छे देख समाज से मिलकर नहीं आ रही थे याद रहा बात की बात। तो अब भाई कर्मचारी के कर्म को दबाव माफ है, अब आप हम करा
वाली को कर्मचारी फोन करते हो कौन नरेंद्र सिंह ओ भाई साहब जी हम छह सौ रुपए तुम चले जाओ तहसील में चले जाओ बिना पैसे की कोई सुनवाई नहीं है तो अब की तो बदला पंच सरकार बदला कर प्रचार करने आए तो इसी तरह दिखाकर आपको उनसे 20 साल का हिसाब लेना है। यदि वो 20 साल का कोई संतोषजनक जवाब आपको नहीं दे सकते तो आने वाली 17 तारीख को इसी उंगली से कांग्रेस का बटन इतने जोर से दबाना है कि उसकी पीकी आवाज भोपाल तक चली जाए और माननीय रामनिवास रावत जी को विधायक ही नहीं मंत्री भी बनाना है। मैं आपसे पुनः सभी लोगों से एवं क्षेत्रवासियों से पधारे हुए सभी लोगों से बार बार एक नम्र अनुरोध करूंगा आने वाली तारीख को पिछले 20 वर्षों के हिसाब को इस बार चुकता कर लेना वरना इस बार आप पछता गए तो फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इस आने वाली 20 तारीख को किसी भी कीमत पर चाहे कोई भी आपको बरगलाए कोई कुछ कहे लेकिन अपने मत को उस हिसाब से उपयोग करना है कि आने वाले समय में हम लोग किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार से त्रस्त ना हो। मैं संक्षिप्त में अपनी बात को रखकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। चूंकि हमारा आसपास कृषि प्रधान क्षेत्र है और खाद की किल्लत आपको पता ही होगी, मोदी जी ने जब से उस पर प्रधानमंत्री उर्वरक पर नाम छपाया है कट्टे पर तब से खाद की किल्लत दुगनी हो गई है। आप लोग सभी समझदार हो, आने वाली 17 तारीख को किसी भी कीमत पर चूकना नहीं है, बटन जोर से दबाना, भाई साहब विधायक भी